पूरे झारखंड में हुक का पानी बंद कर देंगे। झारखंड का 24 जिला ये इतिहास बनेगा। तो जोहार झारखंड, जय झारखंड, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल झारखंड वाइंस नंबर वन में। तो देख सकते हैं आज हम लोग पहुंचे हुए हैं मोराबादी, और यहां पहुंचने का विशेष रीजन है कि झारखंड के जो छात्र हैं, युवा हैं, जो परेशान हैं और इतने दिनों से 60-40 नाच चलतों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह लाठियाँ खाने पर मजबूर हैं। और देख सकते हैं आज यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोग आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आज है 17 अप्रैल और 3 दिन का जो महाघेराव रखा गया है, और मतलब महाबंदी भी होने वाला है अभी झारखंड में। आगे 3 दिनों में क्या क्या होने वाला है, सारी गतिविधियां हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी युवा छात्र हैं जो झारखंड के जो विरोध में है कि 60-40 का जो नियोजन नीति सरकार लेके आई है हमारे झारखंड में, वो हमारे हित में नहीं है, उसके विरोध में यहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, बैनर पोस्टर वगैरह लेके आए हुए हैं। और यही चीज़ इनका मांग है कि जो सरकार नीति लाई है उसे वापस ले ले। तो यहाँ पे तमाम दादा भाई लोग सभी को पहुँचे हुए हैं, तो चलिए इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। देखें भैया, जोहार दादा। जोहार जोहार। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड के रांची से हैं। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं से हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण। और प्रवीण, तो अभी आपके हाथ में देख रहे हैं ब्लूटूथ नियोजन नहीं चलतो। ब्लूटूथ नियोजन नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि आप झारखंडियों के लिए, अधिकार के लिए आप हमेशा बात करते रहे हैं। शुरू से सरकार झारखंडियों से ही की बनी हुई है, और आप जब नियोजन नीति बनाने का समय आता है तो आप कर देते हैं 60-40। इसका मतलब है कि आप 40% बाहरियों को भी खोल रहे हैं, ओपन फॉर ऑल कर दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जो बाहरी यहाँ पर रह रहे हैं उनका भी वोट आपको मिलना चाहिए आप सरकार, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हमको यही कहना है कि आप कम से कम झारखंडियों को कम से कम सोचिए उसके बारे में। आप जो वादा किए थे नौकरी देने का, तो आप कम से कम 90% तो कम से कम ओपन कीजिए झारखंडियों लोगों का। और बस हमारा यही कहना है कि 60-40 यहाँ नहीं चलेगा। तो दादा, यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र कह रहे हैं कि झारखंड के लिए एक बैरियर होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे रोड में बैरियर लगा रहा है सरकार। सरकार से तो मांग ये है कि झारखंड का एक बैरियर होना चाहिए कि झारखंडी कौन है, बाहरी कौन है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दिया, वहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री आवास जाने का रास्ता है हर जगह बैरिकेटिंग लगा दिया गया। बैरिकेटिंग लगाने से क्या होगा, हम तो कहीं से भी आवाज़ उठा सकते हैं ना, हम धरना वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ पे हम कहीं से भी आवाज़ उठा सकते हैं। बैरिकेटिंग करने से कोई हमको रोक नहीं दे सकता है वहाँ पे, भले कुछ भी हो जाए। हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, देखिए क्या होता है। अपना सरकार अपना तैयारी करे, हम लोग एकजुट हैं, हम लोग मुस्तैदी से हम लोग खड़े हैं। हम लोग का डिमांड एक ही है, 60-40 नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जितने कोई भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनका बस एक ही कहना है कि जो 60-40 की नियोजन नीति, चाहे ब्लूटूथ नीति जो भी हो, बाहरी भीतरी जो भी हो रहा है, उसको जो सरकार जो नीति लेके लाई है उसको सरकार वापस ले ले, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला झारखंड में। ऐसे भी आज 17 तारीख से 19 तारीख तक लगातार झारखंड में आंदोलन चलने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और कुछ भाई लोग मिलते हैं, तो उनसे हम लोग बात करते हैं आखिर उनका क्या राय और प्रतिक्रिया है। हम लोग भाभी ना कह करके, बीबी अगर कहे और इस कल्पना सोरेन को भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को ये अधिकार दीजिए कि उसका भाभी ना बोल करके हम लोग बीबी बोले। और बीबी का ये फर्ज बनता है कि जब हम मुसीबत में हो तो बीबी भी पति का साथ दे। इसलिए हम ये बीबी से कहना चाहेंगे, कल्पना सोरेन से, कि आओ बिंदिया और काजल लगा के आओ और हमारी लड़ाई में शामिल हो, और नहीं तो तुम्हारे बिंदिया और काजल और तुम्हारे पति को और तुम्हारे चोर ससुर को भी हम लोग झारखंड से बाहर करने का काम करेंगे और नंगा करने का काम करेंगे। अगर 2 दिन के अंदर में, आज से कल, अगर हमारे स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति 1932 का, भाषा आधारित नीति नहीं बना, उद्योग नीति अगर नहीं बना, प्रदूषण नीति अगर नहीं बना, विस्थापन नीति नहीं बना, तो 19 अप्रैल को हम पूरे मंत्रिमंडल का लेकर के और पूरे झारखंड में हुक का पानी बंद कर देंगे। झारखंड का 24 जिला ये इतिहास बनेगा। कैसे जाइएगा, हर जगह बैरिकेटिंग लगाया गया है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। मैं अपने तमाम झारखंडी भाई बहनों से, नौजवानों से, छात्रों से कहना चाहते हैं, 19 अप्रैल को जो आह्वान किया गया है और 18 अप्रैल को झारखंड के 24 जिलों में
जो भव्य तहजीबता के हमारा जो हमारा मसाल जुलूस है और 19 तारीख के संदर्भ में हम अंत में यह कह देना चाहते हैं, निकले बंद मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से, पहले लड़े थे घोरों से, अब लड़ेंगे झारखंड के चोरों से। क्या कहेंगे? काफी आक्रोश आज फिर से दिख रहा है। इसमें कहना क्या है, ये आक्रोश ये आप क्या कहना लाजमी है, ये आक्रोश नहीं है, ये जन आक्रोश है। ये झारखंड के तमाम छात्र अभिभावकों में ये आक्रोश है और ये आक्रोश का कारण अगर कोई है तो हेमंत सोरेन है। ये आक्रोश का अगर कोई कारण है तो हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल के लोग हैं। ये आक्रोश का अगर कोई कारण है तो रांची का सांसद संजय सेठ है। ये आक्रोश का अगर कोई कारण है तो बाबूलाल मरांडी है। ये आक्रोश का अगर कोई कारण है तो दीपक प्रकाश है। चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, ये फुटबॉल के तरह इस पार से उस पार जो मारने का काम करता है, झारखंड की जनता, झारखंड की तमाम जनता इनके तेवर और कलेवर को जान चुकी है और इनके प्राण भी अब संकट में है। मतलब मुख्यमंत्री आवास तक जाना है? बिल्कुल जाना है। इसलिए हम कह देना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री को भी यह संदेश देना चाह रहे हैं कि रोके नहीं रुकेंगे हम पर्वत की काली घटाओं से, रोके नहीं रुकेंगे हम पर्वत की काली घटाओं से और दिल चीर के निकल जाएंगे हम तेरे मंत्रिमंडल के दिल के अरमानों से। तो देख सकते हैं तमाम छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी हम लोग मोराबादी में खड़ा है और यहाँ से सभी को सीएम आवास तक अभी सबको जाना है यहाँ पे और सबको अपना बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं, आखिर ये कहाँ से आए हैं और किस प्रकार इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो दादा कहाँ से आए हैं आप? हम रामगढ़ से आए हैं। अच्छा, रामगढ़ से आए हुए हैं। हाँ। तो जो 60-40 की नियोजन नीति सरकार लाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? 60-40 जो नियोजन नीति लाई है, झारखंड सरकार जो है काला कानून लाई है, इसको वापस करना पड़ेगा। और 60-40 जहाँ तक बात है कि 60 नहीं है, इसमें 80% जो है बाहरी लोग घुसेंगे, इसीलिए 60-40 का विरोध हो रहा है ताकि 90-10 झारखंड में चले और 90-10 ही चलना चाहिए, 60-40 का भी लागू नहीं होने देंगे। तो दादा यहाँ तो बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं अभी और देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे जितने छात्र नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, तो किस प्रकार उनसे निपटिएगा? देखिए, प्रशासन से हम लोग को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्रशासन से हम लोग सावधानी पूर्वक ही शांत व्यवहार करेंगे, अपना व्यवहार अपना परिचय अच्छा से देंगे, क्योंकि हम लोग कोई नक्सली और आतंकवादी नहीं, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं और पढ़ने नहीं। तो फिर भी तो उस दिन 23 तारीख को जब हुआ था यहाँ पे, जब घेराव किया गया था विधानसभा का, उस टाइम तो संवैधानिक तरीके से ही छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे, फिर भी उनके ऊपर तरह तरह के लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस फोड़ा गया, तो क्या आज कुछ ऐसे ही सोच रखी होगी सरकार? अगर सरकार ये सोच रखी भी होगी तो इस 23 तारीख को जो हुआ था वो दोबारा होने नहीं देंगे और लाठी चले, गोली चले, कुछ भी चले, आज पीछे नहीं हटेंगे और सीएम आवास तक हम लोग जाके रहेंगे और सीएम से वार्ता करके रहेंगे। तो देख सकते हैं दादा लोग रामगढ़ से पहुंचे हुए हैं, जगह जगह से, हर एक जिले से यहाँ पे स्टूडेंट लोग पहुंचे हुए हैं, सब ऐसा ही राय दे रहे हैं और उनका यही चीज़ कहना है कि जो सरकार नीति लेके आई है वो सरकार वापस ले ले। तो चलिए आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए, आज की पल पल की खबर हम अपने इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।